बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे आप। सनसेट होते ही बच्चों को घर पे आ जाना पड़ता था, टीवी एक लाउंज में लगा हुआ था, उसको लिमिटेड टाइम में देख सकते थे। मैं तो ऐसे चाहता हूँ ऐसा हर घर में हो जाए, क्योंकि क्या कि बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे हैं, कि उनके कमरों में भी टीवी लगा हुआ है, उनके इधर भी टीवी लगा हुआ है। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे शाम को घर पे आ जाते हैं तो एक अच्छा माहौल वातावरण बनता है। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं बेटे की परवरिश में कमी रह गई? ये बच्चियाँ जो हैं ज़्यादा डोसाइल होती हैं, बच्चे थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो हमने एक दिन पहले उसको पकड़ लिया, क्योंकि जो मेरे आते थे प्रोड्यूसर्स और जो सब लोग आते थे मुझे मिलने, तो बड़ा पैम्पर करते थे उसको कि भाई संजय दत्त सुनील दत्त का बेटा है। तो वो कई बार बैठे हुए मेरे ड्राइंग रूम में, तो वो सिगरेट पीते थे तो बाहर ड्राइंग रूम में बाहर फेंक देते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि ये वहाँ बाहर गार्डन में ऐसा लेटा हुआ तो नीचे से धुआं आ रहा है। तो मैंने देखा अरे क्या है ये, तो मैंने पकड़ उसको खींचा तो देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, ऐसा उसके उंगली में सिगरेट था। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो फिल्म में जो लोग आते हैं तो ख़राब कर देंगे इसको। तो फिर हमने डिसाइड किया इसको चलो सनावर भेजते हैं, तो हमने उसको सनावर भेजा बोर्डिंग स्कूल। ड्रग्स उन्होंने लेना शुरू किया जो भी काफ़ी गंभीर समस्या थी। हमें फीलिंग कि ये सब चीज़ें उसको हुई हैं क्योंकि वो माँ के बहुत करीब था और माँ भी उसके बहुत करीब थी, तो ये उनकी डेथ को बर्दाश्त नहीं कर सका ये, क्योंकि अच्छा। और देखिए ये भी क्या बात है कि ये हम उनको अमेरिका से ले आए थे वापस, तो ब्रीच कैंडी में फिर बीमार हो गई, ब्रीच कैंडी में पड़ी हुई थी। और मुझे याद है कि 7 मई 1981 में ये संजू की पिक्चर रिलीज़ हो रही थी, रॉक की जो पहली फिल्म आपने रॉक की पहली फिल्म। और आप जानते हैं कि एक कलाकार के लिए पहली फिल्म तो एक ऐसा होता है कि वह बहुत सी बड़ी चीज़ होती है उसकी, कलाकार के लिए बहुत बड़ी और एक पिता के लिए बहुत बड़ी कि बेटे की पहली फिल्म। एग्जैक्टली। तो वो मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है कि देखिए मैं तो उसका प्रीमियर देखने ज़रूर जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने डॉक्टरों से परमिशन ले ली, मैंने एम्बुलेंस का अरेंज कर लिया, स्ट्रेचर का और उसका अपना व्हील चेयर का भी अरेंज कर लिया, क्योंकि मैं अपने बच्चे की बेटे की पिक्चर जरूर देखना चाहती हूँ प्रीमियर इसका। हमने टिकट भी, मैंने कहा कि एक टिकट जो है अपना जो देते हैं तो उन्होंने दिए, तो हमने संजू के साथ उनकी सीट रखी, मैंने आप संजू के साथ बैठे हुए। तो 7th को था सर प्रीमियर और 3rd में कुछ गए, तो अब इसको मालूम नहीं था, ये तो यंग बॉय एट दैट टाइम, उसको पता ही नहीं था कि मैं रोऊं या मैं खुशियाँ मनाऊं कि मेरी पिक्चर रिलीज हुई है। इस कचपकच में वो आई थिंक स्टार्टेड एंड आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज क्या होता है कि कई ऐसे माहौल में लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं।